ला इलाहा इल्लल्लाहु रोजाना 60 मरतबा पढ़कर बच्चे पे दम कर दें, इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये होता है वैसे, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो नजरों में भी ज्यादा जल्दी आ जाता है और फिर वो नजरें भी लग जाती हैं, तो फिर वो एकदम पढ़ाई में जो है ना वो कमजोरी की तरफ चला जाता है। जी जी, तो फिर ऐसी सूरत में ये वजीफा पढ़कर दम कर दिया जाए, ये पढ़ ले रोजाना। अच्छा बिलफल अगर जैसे वैसे ही बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, या बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो ऐसी सूरत में वालदीन फिर ये वजीफा पढ़ के दम कर सकते हैं या इसके लिए भी कोई दूसरा वजीफा है? नहीं, इसके लिए तावीज़ ततारिया के बस्से से राबता करें, वहाँ पर एक मखसूस वजीफा मिलता है या जल जलाली वली कराम। सही, ये जहन जो कमजोर होता है बच्चों का बादाम पे पढ़ के दिया जाता है, तो ये भी वालदेन ही को पढ़ना होता है। तीन बादाम होते हैं, तीन बादामों पर सुबह दोपहर शाम ये तीन टाइम यूज करने होते हैं, और रोजाना एक बादाम लिया एक मरतबा या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम ये पढ़ के दम करें और बच्चे को खिला दें सुबह दोपहर शाम, ये तीन टाइम। रात को सोने से पहले चाहे तो दम करके रख लें जी, और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ये दम करके खिला जी, जी, माशाल्लाह। तो आप अपने बच्चों को बादाम भी खिलाएं और दम किए हुए बादाम खिलाएं, इंशाअल्लाह करीम बच्चों का जहन खुलेगा, पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे, हाफिजा भी माशाल्लाह बच्चों का मजबूत हो जाएगा।